बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे बीजेपी के प्रत्याशी का जनपद आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने लोकसभा क्षेत्र में उनका जगह जगह जोरदार स्वागत किया। भाजपा की तरफ से आयोजित एक स्वागत समारोह में सांसद रितेश पांडे ने विश्वास जताया है कि लोकसभा क्षेत्र की जन विकास के मुद्दे पर वोट कर मोदी के 400 सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले 9 साल के कार्यकाल में ये दिखाया है कि जाति से ऊपर उठकर आज के युवा वोट कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में मैंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और निरंतर मैंने अंत्योदय की बात रखी है, चाहे वो हमारे क्षेत्र के किसानों की बात रही हो, चाहे वो यहाँ के दबे कुचले पिछड़े वर्ग, महिला और वंचित वर्ग की बात रही हो। हमने उन मुद्दों को, मेरे लोकसभा ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप देखेंगे तो उनको प्राथमिकता देकर के हमेशा रखने का काम किया है। आगे भी हमारे लिए, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबसे तीन ही जातियां हैं और सबसे जो बड़ी जाति है वो गरीब की है और वंचित की है, हम गरीब और वंचित के लिए काम करने जा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस काम को, यहां अपने देश को विकसित बनाने के लिए और गरीबी दूर करने के लिए, अग्रसर करने के लिए समाज को हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके देश को मजबूत करने का।